पुढची सुद्धा महत्त्वाचीच बातमी आहे. पंतप्रधान मोदींनी शीख दंगलीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसवर अगदी घणाघाती टीका केली आहे. शीख दंगली झाल्या तर झाल्या असं म्हणणारे सॅम पित्रोदा हे राहुल गांधींचे गुरु आहेत, राजीव गांधींचे जवळचे मित्र होते असंही मोदी म्हणतात. काँग्रेस इतकं असंवेदनशील विधान करूच कसं शकतं असा सवाल मोदींनी उपस्थित केलाय आणि शीख दंगलीचा सगळा तपशीलच लेखाजोखा हर सभेत मांडलाय. हरियाणाच्या रोहतकमध्ये मोदींची सभा होती, विजय संकल्प रॅली आणि त्या दरम्यान मोदींनी शरसंधान दाखवलंय. ये नेता राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त और आज के जो काँग्रेस के नामदार अध्यक्ष है उनके वो गुरु है. इन्होंने कल टीवी के सामने साफ साफ बोल दिया, अगर 84 में दंगा हुआ तो हुआ. ये इल्जाम लगाता है कि आप नेशनल सिक्योरिटी और ये नेशनलिज्म को इसलिए रेकअप कर रहे हैं ताकि बुनियादी इश्यू से हटा जाए, ये बोल रहे हैं. मैं डे वन से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई, हमने 1.5 करोड़ गरीबों को घर दिए. मैं चाहता था कांग्रेस चैलेंज करे कि मोदी 1.5 करोड़ नहीं, हमने तो मोदी 1 करोड़ दिया, झूठ बोलता है. मैं कहता हूँ 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई. मैं चाहता था कांग्रेस चैलेंज करे, नहीं कर रहे हैं. मैं कहता हूँ मैं गरीबों के घर में बिजली पहुंचा रहा हूँ, जो उन्होंने वादा किया था नहीं किया, मैं पहुंचा रहा हूँ, उसको चैलेंज करते. मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपये तक हेल्थ के सेवा के लिए, अस्पताल की सेवा के लिए उनको मैंने व्यवस्था की आयुष्मान भारत योजना की, उसको चैलेंज करते. किसानों के MSP बढ़ा दिया और लागत का 1.5 गुना कर दिया, उसको चैलेंज करते. हमने रास्ते पहले की तुलना में डबल बना दिए, डबल स्पीड से बना रहे हैं, उसकी चर्चा करते. हम चाहते थे कि हमने रेलवे को डबल गति से पटरियां डाल रहे हैं, डबल गति से हम उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, उस पर सवाल करते हैं. लेकिन कांग्रेस की मुसीबत है कि विकास के मुद्दों पर वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, विकास के मुद्दों के आधार पर जा नहीं सकते, इसलिए उनको हवा में से झूठ चलाना होता है, जिसके लिए सबूतों की जरूरत नहीं होती है, झूठ बोलते रहो. और जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जनता को जवाब दे हैं, हमें जनता को अपनी बात रखनी होती है, तो जहाँ जरूरत होती है वहाँ वो भी रखते हैं. मोदी जी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, अभी भारत ने एक बड़ी जीत हासिल करी, मसूद अजहर की लिस्टिंग हुई, अब दोबारा ताकत में आते हैं, पावर में आते हैं, तो क्या हम ऐसे और एक्शन देख सकते हैं, जैसे हाफिज सईद अभी भी हैं, दाऊद इब्राहिम अभी भी हैं पाकिस्तान में, क्या हम इस तरह की और... आप ये कुछ इन्हें गिने नाम लेकर के आप अपना समय बर्बाद मत करिए. देश के ऊपर जहाँ भी जिस भी प्रकार के खतरे होंगे, चाहे व्यक्ति के द्वारा हो, व्यवस्था के द्वारा हो, चाहे जल में हो, थल में हो, नभ में हो, अंतरिक्ष में हो, भारतीय की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है. भारत की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाते रहे हैं, आगे और जोर से उठाएंगे. सर, मेरे दो आखिरी सवाल, मेरा ये सवाल है सर, ऑपोजिशन मैं देख रहा हूँ कि रीजनल ब्लॉक, चाहे वो KCR हो, चंद्रबाबू हो, उन्होंने ऑलरेडी मीटिंग्स बुलानी शुरू कर दी हैं, मिलना शुरू कर दिया है. क्या आपको लगता नहीं है कि इससे कुछ बौखलाहट है? आपने देखा होगा, चुनाव का अगर अध्ययन करेंगे तो पहले 3 चरण तक वे मोदी को गाली देते थे, 3रे चरण के बाद जब उनकी जमीन खिसक गई तो उन्होंने EVM को गाली देना शुरू कर दिया. अब 2 चीजें वो करते हैं, वन थर्ड मोदी को गाली, वन थर्ड EVM को गाली और वन थर्ड इलेक्शन कमीशन को गाली, क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार नहीं है. और इसलिए जैसे कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो एम्पायर को गाली देने की कोशिश करता है, वैसे ही इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को गाली देना शुरू किया है. सर, आपको लगता है कि कोई रीजनल पावर में आ सकती है? आप इतनी जगह घूम रहे हैं, आप जनता को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं पिछले 5 साल से लगातार जनता के बीच में रहता हूँ. मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के दफ्तर में फिट हुआ बंद हुआ इंसान नहीं हूँ. मेरे पर शिकायत यही है कि मोदी 5 साल कैंपेन मोड में ही रहे. एक्चुअली लोकतंत्र में जनता के बीच रहना मेरा दायित्व होता है. पहले जो नहीं जाते थे उनको पूछो कि क्यों नहीं जाते थे, तो मैं 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ. इन दिनों चुनाव को लेकर के मैं जाता हूँ, मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा सीटों से जीतेगी, एनडीए के हमारे पार्टनर पहले से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे, पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, पहले जिस भूभाग पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था या कम था, वहाँ भी हम बढ़ेंगे। एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में कमल खिलने वाला है। ये जितनी गालियाँ ज़्यादा देंगे उतना कमल ज़्यादा खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। विरोधक जितक्या कालच्या पातळीवर टीका करतील, जितकी टीका करतील त्याहून जास्त पद्धतीनं कमल फुलेल असं म्हणत विरोधकांवर पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदी यांनी टीका केलेली आहे। विकास कामांच्या मुद्द्यावर विरोधक टीका करताना दिसत नाहीत असं विधान पंतप्रधान मोदी यांनी केलेलं आहे। प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी मोदींच्या सभांची रॅली आहे, धडाका आहे प्रचाराचा, कारण दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा अशा 59 जागांकरता उद्या रविवारी मतदान होणार आहे आणि त्याकरता मात्र आज संध्याकाळी 5 प्रचाराच्या तोफा थंडावणार आहेत। पण तत्पूर्वी मात्र प्रचारादरम्यान आरोपांच्या फैरी झडताना पाहायला मिळत आहेत। आधीपेक्षा अधिक बहुमतानं सरकार स्थापन करणार असा विश्वास, असा आशावाद सुद्धा मोदी यांनी व्यक्त केलेला आहे। मी कार्यालयात अडकून पडणारा माणूस नाही असं प्रधानमंत्री म्हणतात। पण आज हरियाणाची सभा सुद्धा पंतप्रधान मोदींची गाजली, कारण या सभेत त्यांनी दाखले दिले आहेत ते थेट 1984 का देण्यात आले हे सगळे दाखले, कोणावर नेमकी टीका करण्यात आली आणि का करण्यात आली पाहूया। 84 में देश भर में हजारों सिख भाई बहनों का कत्ले आम हुआ, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। अकेले दिल्ली में 2800 से ज्यादा सिखों की हत्या कर दी गई, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सैकड़ों सिखों को निशाना बनाया गया और नेतृत्व कांग्रेस के नेताओं ने किया। ये पाप कांग्रेस के छोटे मोटे हर व्यक्ति ने किया और आज कांग्रेस कह रही है। ही दृश्य आपण पाहतोय, रोहतक मधली ही ताजी दृश्य आहेत ज्या ठिकाणी सिख समुदाय आक्रमक झालेला आहे, मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसच्या विरोधात घोषणाबाजी होताना पाहायला मिळते। सॅम पित्रोदांनी केलेल्या वक्तव्यावर राहुल गांधी यांनी माफी मागावी अशी मागणी आता जोर धरतीय। सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे दिल्लीमध्ये रविवारी निवडणुका होणार आहेत, 7 आहेत दिल्लीतल्या, आणि या निवडणुकांपूर्वी होणारा हा दंगा, होणारा हा राडा निवडणुकीवर परिणाम करणार का हे पाहणं सगळ्यात महत्वाचं असणार आहे। यावेळी महत्वाची बातमी सॅम पित्रोदांच्या वक्तव्यानंतर, 1984 वक्तव्यासंदर्भात सॅम पित्रोदांनी हुआ सो हुआ असं म्हणत वक्तव्य केलं होतं आणि त्याचे पडसाद आज नवी दिल्लीतल्या प्रत्येक रस्त्यावर उमटतात। शीख समुदाय आक्रमक झालेला आहे आणि राहुल गांधी यांनी या संदर्भात माफी मागावी असं म्हटलं जात आहे। काँग्रेस आज भी सिखों की दुश्मन असे फलक झळकावण्यात आलेले आहेत। नवी दिल्लीत निदर्शनं सुरू आहेत, लाईव्ह दृश्य आपण या क्षणी पाहतोय। याचविषयी अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्याकडून। प्रशांत, आता नेमकी काय परिस्थिती त्या ठिकाणी पाहायला मिळते? खास करून सिख समुदायाच्या वतीने काँग्रेस मुख्यालयाच्या बाहेर त्यांचं प्रदर्शन करणारा प्रथमचा टिळक नगरमध्ये, त्यानंतर प्रशांत माझा आवाज पोहोचतोय तुमच्यापर्यंत, आपण ही ताजी दृश्य पाहतोय, मोठ्या प्रमाणावर पोलीस फाटा तैनात करण्यात आलेला आहे, या ठिकाणी पोलीस सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यात आलेली आहे, बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय। दिल्लीत निवडणूक आहेत रविवारी आणि त्यापूर्वी मात्र होणारी ही दंगल अत्यंत महत्वाची, याचविषयी अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्याकडून। प्रशांत, आता नेमकी परिस्थिती काय पाहायला मिळते? सिख बांधव अद्यापही आक्रमकतेच्या भूमिकेत का? कारण की ज्या पद्धतीनं सिख सॅम पित्रोदा यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याच्या निषेधार करण्याकरता मोठ्या संख्येनं सिख समाजाचे कार्यकर्ते
एकत्र आले आहे, मोठ्या संख्येनं महिला पुरुष प्रदर्शनकारी एकत्र आलेले आहे. काँग्रेस मुख्यालयाच्या परिसरामध्ये जो अकबर रोड परिसरामध्ये हे प्रदर्शन सुरू आहे आणि याच प्रकारचं प्रदर्शन तुगलक रोड पोलीस स्टेशनच्या जवळही पाहायला मिळालं. सोबतच तिलकनगरमध्ये या प्रकारचं प्रदर्शन होतं. याच प्रकारचं प्रदर्शन जंतरमंतर परिसरात. महत्वाचं म्हणजे येत्या रविवारी दिल्लीच्या 7 लोकसभा जागांवरती मतदान आहे आणि शीख समुदायाचा मोठा मताधिक्य या मतदानामध्ये असतं. अशावेळी हा मोठा मुद्दा पुढे आलेला 1984 संदर्भात जे वादग्रस्त वक्तव्य श्याम पित्रोदा यांनी दिलेलं आहे त्याच्या निषेध करण्याकरता हे सगळे एकत्र आले आणि त्यांनी सर्व मागणी केली आहे की राहुल गांधी यांनी या वक्तव्याच्या संदर्भात माफी मांगावी आणि जेही जबाबदार लोक आहेत त्यांना फाशी द्यावी अशी ही ज्या प्रकारची मागणी सुरू आहे. पण सध्या हे आता काही क्षणापूर्वीच हे प्रदर्शन संपलेलं आहे आणि असं म्हणावं लागेल की पोलिसांनी बताया 3 दिन और 3 रातें 72 घंटे हम धक्के खाते रहे सड़कों पे. बाल बच्चे कहाँ हैं, मकान कहाँ हैं, घर कहाँ हैं, हमें बस सुध-बुध नहीं है. आज हमें इतना टाइम आ गया, हमें इंसाफ नहीं मिला. हमें इंसाफ चाहिए, कातिलों को फांसी चाहिए. और ऐसे राहुल कैसे कह सकते कि मुझे पता नहीं. क्यों नहीं पता? तेरी दादी का पता तुझे मरने का, लेकिन हमारे पति का पता नहीं तुझे कि किसने मारा. तुमने मारा, तुमने ऑर्डर किए. बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है. कैसे हिल गई? केवल सिख के लिए लक्ष्मी को. सर आपका नाम? ये पूरा मामला क्या क्या है? मामला यही है कि 1984 में हुआ जो कांग्रेस पार्टी ने सिखों के खिलाफ जो प्रहार किया इंदिरा गांधी के, आज 34 साल हो गए हैं.